हेलो एवरीवन, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेल्डेड कनेक्शन चैप्टर को। अभी तक आपने कनेक्शन में पढ़ा था रिवेटेड कनेक्शन, जिसमें आप दो प्लेट्स को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें एक रिवेट की हेल्प से या तो आप लैप ज्वाइंट लगाते थे या बट ज्वाइंट लगाते थे, तो इस तरह से आपने कनेक्शन को पढ़ा था। फिर आप उसके सारे स्ट्रेंथ वगैरह कैलकुलेट करते थे और इफिशियंसी कैलकुलेट करते थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे वेल्डेड कनेक्शन के बारे में कि किस तरह से वेल्डिंग की हेल्प से आप दो मेटल को कनेक्ट करते हैं और फिर उसके स्ट्रेंथ क्या आती है, वो किस तरह का कनेक्शन बनाते हैं। अगर वो दोनों प्लेट सेम प्लेन में है तो किस तरह का कनेक्शन बनेगा, डिफरेंट प्लेन में है तो किस तरह का कनेक्शन बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे वेल्डेड कनेक्शन के अंदर। अब वेल्डेड कनेक्शन बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, तो इसको हम लोग तीन पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज पहले पार्ट में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन एंड सारी थ्योरीज को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग इसके आईएस कोड के स्पेसिफिकेशंस एंड फॉर्मूलाज को समझेंगे और थर्ड वाले पार्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग होता है कि जब आप किसी दो मेटल को कनेक्ट करना चाहते हैं या दो प्लेट्स को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए आप एक मेटल का ही यूज़ करके आप उसमें एक मेटलर्जिकल बॉन्ड बनाते हैं। मतलब आप दो अगर प्लेट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं या आपके दो प्लेट्स हैं तो आप इसको कनेक्ट करने के लिए अगर आपने दोनों को क्लोजली प्लेस कर दिया तो अब इनका कनेक्शन आप किस तरह से बनाएंगे? तो आप एक थर्ड मेटल लेते हैं जो कि आपका कनेक्टिंग मेटल होगा, वो आप उसको हीट करके फिर आप उसको मेल्ट करते हैं और वो मेल्ट करके वो इस जॉइंट को एक एज एडहेसिव काम करता है और मेटलर्जिकल बॉन्ड बनाता है। इससे क्या होता है कि ये एक थर्ड मेटल जो है ये आपको मेन मेटल जिसको हम लोग पेरेंट मेटल कहते हैं उसके साथ ये कनेक्ट होकर के कंप्लीट मेटल ही बना देता है। फिर आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसमें से थर्ड मेटल कौन सा है, सेकेंड मेटल कौन सा है, वो सारी चीजें एक मेटलर्जिकल बॉन्ड बना के कंप्लीट कनेक्शन बना देती है। तो वो कनेक्शन आपको कहलाता है वेल्डेड कनेक्शन। तो हम लोग आज के वीडियो में इसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि पहले कितने टाइप के आपके जॉइंट्स होते हैं, कितने टाइप के आपके वेल्डेड कनेक्शंस होते हैं और फिर हम लोग जानेंगे कि ये सारे कनेक्शंस के आईएस कोड के स्पेसिफिकेशंस क्या कहता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें तो वेल्डेड कनेक्शन के थ्योरीज में आपको सबसे पहले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता देते हैं कि वेल्डेड कनेक्शन के क्या क्या एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेज होंगे। तो एडवांटेजेस देखिए बहुत सारे हैं, अगर हम लोग लाइन बाय लाइन को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला एडवांटेज जो आपको आता है वो जो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जो सबसे ज़्यादा इश्यू होता है वो होता है आपको स्ट्रक्चर का वेट। स्ट्रक्चर का वेट जितना ज़्यादा होगा वो उतना कॉस्टली होते जाएगा, क्योंकि वो सारे वेट के हिसाब से आपको प्राइस ज़्यादा होंगे, फिर उनको हैंडल करने के लिए जो आपके स्ट्रक्चर जो फाउंडेशंस होंगे फिर वो आपको हैवी लोड्स को काउंटर करने के लिए बनाने पड़ेंगे, तो वो सारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे ही इंक्रीज होता है। तो रिवेटेड कनेक्शन जब आप करते हैं तो इसमें आपको क्या होता है कि आप अगर आप बट ज्वाइंट यूज़ कर रहे हैं तो बट ज्वाइंट में आपको एक्स्ट्रा कवर प्लेट्स लगते हैं, सिंगल कवर है तो सिंगल प्लेट, डबल कवर है तो डबल प्लेट। अगर आप लैप ज्वाइंट करते हैं तो उसमें जो लैपिंग होता है दोनों प्लेट्स का, तो वो जो लैप डिस्टेंस है उस लैप डिस्टेंस में वहाँ पे एक प्लेट की रिक्वायरमेंट है, बट कनेक्शन बनाने के लिए आपने दो प्लेट किया है तो वो उतना लैप लेंथ जो है वो लैप लेंथ आपका वेस्टेज में आता है। फिर अगर ये बहुत ज़्यादा होगा, बड़े स्ट्रक्चर में हम लोग बात करें तो वो छोटा छोटा लैप ज्वाइन करके आपके स्ट्रक्चर को काफ़ी हैवी बना देता है। तो वेल्डेड कनेक्शन में क्या होता है कि अगर आपका एक मेटल ये 3 मीटर लेंथ का है, दूसरा मेटल 3 मीटर लेंथ का है, आपको दोनों को ऐड करना है तो ये आपको फेस टू फेस आकर के ऐड हो जाएंगे, तो आपको टोटल लेंथ जो होगा वो 6 मीटर ऑप्टेन हो जाएगा। यही चीज़ आपको लैप ज्वाइन के केस में ऑप्टेन नहीं होता था और बट ज्वाइन के केस में ऑप्टेन होता था, लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा मेटल का वेट आ जाता था। तो ये चीज़ें आपको वेल्डेड कनेक्शन में आसान है कि आपको अगर एक कनेक्शन करना है तो आप इस तरह से एक प्लेट और इसी से आप ज्वाइन किया आप दूसरा प्लेट को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है आपको स्ट्रक्चर को लाइट वेट बनाता है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज कि जब आपको रिवेटेड कनेक्शन में क्या करना पड़ता था कि आपको एक रिवेट होल बनाना पड़ता था, आपको प्लेट्स में दोनों प्लेट्स में बनाना पड़ता था और फिर आप उसमें रिवेट प्लेस करते थे, तो अब आपको वो होल को जो मिसमैच जो हो जाते थे उसको मैच करके फिर रिवेट को प्लेस करना वो आपको इजी हो गया, वो आपको इसमें नहीं करना पड़ा, आपको बस दोनों प्लेट्स कनेक्ट करने हैं, दोनों के बीच में वेल्डिंग कर देनी है, कंप्लीट हो गया आपका कनेक्शन। तो ये आपका सेकेंड एडवांटेज हो गया। थर्ड एडवांटेज फिर आपको हो गया कि जो आपका रिवेट का जो कनेक्ट करने में जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता था या वोल्टेड कनेक्शन की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है वो आपको वेल्डेड कनेक्शन में उतना प्रोड्यूस नहीं होता है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन भी आपको कम हो जाता है। फिर और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि आपको इसका कनेक्शन जो है ये रिजिड कनेक्शन होता है, मतलब आप लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर्स अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें वेल्डेड कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिवेटेड या बोल्टेड कनेक्शन यूज़ करते हैं तो उस केस में रिवेटेड कनेक्शन में आप लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन चलेंगे, बट बोल्टेड कनेक्शन के केस में आप टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर्स ही बना सकते हैं।
तो वेल्डेड कनेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, आप लॉन्ग ड्यूरेशन के जो स्ट्रक्चर्स होंगे जो बहुत ज्यादा टाइम के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिनका लाइफ टाइम लाइफ स्पैन जिसका ज्यादा होता है, वो कनेक्शंस आप वेल्डेड कनेक्शन से बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप वेल्डेड कनेक्शन में, जब आप रिवेटेड कनेक्शन करते थे तो आप जो इफिशियंसी आपने कैलकुलेट किया होगा, बहुत सारे कनेक्शंस आपने ट्राई किए होंगे, तो उसमें से किसी में भी आपको मैक्सिमम 70-80% इफिशियंसी ही ऑप्टेन हुआ होगा, उससे ज़्यादा इफिशियंट आपको नहीं हुआ होगा वो कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन के केस में यह 100% इफिशियंसी देता है, मतलब आपका जो स्ट्रेंथ आपका प्लेट कैरी कर सकता है वही स्ट्रेंथ आपके ज्वाइंट से ट्रांसफर होकर दूसरे प्लेट में चला जाएगा। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ का लॉस नहीं हो रहा है, तो लॉस नहीं हो रहा है तो आपको स्ट्रक्चर कॉस्टली ज्यादा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको फिर कम पार्ट्स में ही आपके लोड जो है वो ट्रांसफर हो जा रहे हैं। तो ये आपका एक बेनिफिट हो गया कि आपको इफिशियंसी वेल्डेड कनेक्शन में ऑलमोस्ट 100% होता है। उसके बाद वेल्डेड कनेक्शन का एक छोटा सा एडवांटेज ये भी है कि आपको बहुत ही एस्थेटिक अपीयरेंस देता है, मतलब आप जब दो प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये वेल्ड का लेंथ इतना मिनिमम होता है इसका साइज, कि ये आप जब आप दूर से देखेंगे तो आपको ये कंप्लीट कनेक्शन ही दिखाई देगा। इसमें आपको कहीं पे भी अगर आप रिवेटेड कनेक्शन को देखेंगे, अगर आप डबल कवर बट ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का यहाँ से ऐसा कनेक्शन बनता था। तो ये वाला जो इश्यू था, जो आपको अपीयरेंस का जो इशू था, वो आपको वेल्डेड कनेक्शन में खत्म हो जाता है। ये एज अ सिंगल मेंबर की तरह ही आपको वो होता है, अपीयर होता है। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। उसके बाद एक और एडवांटेज क्या हो गया कि आपको वेल्डेड कनेक्शन आप एयर टाइट एंड वाटर टाइट स्ट्रक्चर्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं। जब आपको वाटर टैंक्स बनाना होगा तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी से ही आपको सारा लीकेज का इश्यूज होगा। तो वो आप वेल्डिंग अगर आप वेल्डेड कनेक्शन करते हैं तो वो आपको एयर टाइट एंड वाटर टाइट कनेक्शंस बन जाते हैं। एक और एडवांटेज की बात कर लें तो वो है आपको कि अगर आप सर्कुलर ट्यूब को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं किसी एक गसेट प्लेट के साथ, तो इसको आपको कनेक्ट करने में सबसे बड़ा इश्यू क्या आएगा कि आपका जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है वो आपको सिर्फ इतना दूर ही आपको ये ट्यूब का जो बाकी ये वाला पोर्शन है, ये पूरे इतना पोर्शन आपको कनेक्ट नहीं हो सकता है गसेट प्लेट से, आपको सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ ये कनेक्ट हो सकता है। तो इसको कनेक्ट करना काफी टेडियस जॉब है, और फिर इसमें होल का मिसमैचिंग ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहेगा। इसका कनेक्शन आप रिवेटेड कनेक्शन अगर करेंगे तो ये किस तरह से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे इस गसेट प्लेट में, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि अगर ये हॉलो ट्यूब है तो आप इसके अंदर आप हैमरिंग का प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे। अगर ये छोटे साइज का अगर डाया है तो, अगर ये बहुत बड़े साइज का डाया है फिर आप इसमें हैमरिंग करके आप रिवेट को प्लेस कर पाएंगे। तो इस तरह का कनेक्शन आपका वेल्डेड कनेक्शन में इजी हो सकता है, क्योंकि आप क्या करेंगे कि इस वाले ज्वाइंट को वेल्ड कर देंगे और इस वाले ज्वाइंट को भी आप वेल्ड कर देंगे, तो आपका ये जो सर्कुलर ट्यूब्स होता है वो भी आपको गसेट प्लेट से कनेक्ट हो सकता है वेल्डेड कनेक्शन के केस में, यही आपको रिवेटेड या बोल्टेड कनेक्शन में नहीं कनेक्ट हो पाता था। तो ये सारा आपको इतने सारे एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी कुछ है, डिसएडवांटेजेस जैसे कि वेल्डेड कनेक्शन कॉस्टली होता है, आप वेल्डेड कनेक्शन अगर करना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इन मेटल्स का जो कॉस्ट रिड्यूस होता है वो आपको वेल्डिंग कनेक्शन के केस में आपको एक्सपेंसिव जो होता है वो आपको कंपनसेट हो जाता है। जैसे आप रिवेटेड कनेक्शन में डबल कवर बट जॉइंट को अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं और आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो जो आप डबल कवर का आप कॉस्ट बचा रहे हैं वो आपको वेल्डिंग कनेक्शन के प्रोसेस में उतना कंपनसेट हो जाता है। तो अगर वेट ऑफ द स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आपको वेल्डेड कनेक्शन में रिड्यूस हो जाएगा, बट अगर कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आपको इंक्रीज हो जाएगा। तो वो सिचुएशंस पे ही आपको चूज करना पड़ता है कि आपको किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, या तो वो कॉस्टली नहीं होगा या फिर वो हैवी वेट का नहीं होगा। तो उस कंडीशन के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको वेल्डेड कनेक्शन लेना है या रिवेटेड कनेक्शन लेना है। उसके बाद आपको डिसएडवांटेज कि आप इसका अगर इंस्पेक्शन करना चाहें तो आप इसमें डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिवेटेड कनेक्शन में क्या था कि आप कनेक्शंस को प्रॉपरली एक सिक्योर इंस्पेक्शन के अंदर आप उसको कनेक्शंस को आप वापस खोल करके आप उसके इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि ये कनेक्शन और फिजिबल है कि नहीं है, कहीं ये रिवेट होल्स में बियरिंग वगैरह बियरिंग प्रेशर तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यही आप वेल्डेड कनेक्शन के केस में आप इंस्पेक्शन सिर्फ विजिबल आई से ही कर सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आप इसमें करेंगे तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप कनेक्शंस को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी एक कटिंग करके चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो जाएगा, फिर वो कनेक्शन आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए वेल्डेड कनेक्शन में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है कि सारे टेस्टिंग जो होंगे वो आपको ऊपर से ही होंगे, विजिबल आई से ही होंगे। तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बट क्योंकि इसके एडवांटेजेस इतने ज्यादा हैं कि वो डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। फिर एक और डिसएडवांटेज है कि इसके कनेक्शंस ओवर रिजिड हो जाते हैं। तो ओवर रिजिड डिसएडवांटेज है सॉर्ट ऑफ, जैसे कि आपको
कहीं कहीं केसेस में आपको ओवर रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं तो वेल्डेड कनेक्शन प्रीफर किए जाते हैं, लेकिन कई केसेस में आपको स्ट्रक्चर जो है वो 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं और फिर उनको वापस रिप्लेस करके कहीं और कनेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आप वेल्डेड कनेक्शन वहां कर देंगे तो वो जो मेंबर्स को आप कनेक्ट करेंगे वो एक सिंगल मेंबर की तरह एक्ट करेंगे। जैसे आपने इन दो प्लेट्स को कनेक्ट किया तो जब आपने वेल्डिंग कर दिया तो ये आपको सिंगल मेंबर की तरह हो जाएंगे। अब आप इसके इस कनेक्शन को वापस कभी ब्रेक नहीं कर सकते हैं, अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपका वो मेटल ही एक तरह से वहां से कट हो जाएगा। तो वेल्डिंग कनेक्शन कर देने से क्या होगा, ये जॉइंट आपको ओवर रिजिड हो गया, अब आप उसको नेक्स्ट टाइम कहीं और ले जा करके यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा छोटा मोटा इसका डिसएडवांटेजेस है, जो कि अगर हम कनेक्शंस की बात करें तो तीनों कनेक्शंस रिवेटेड, बोल्टेड एंड वेल्डेड में सबसे ज्यादा इफिशियंट एंड सबसे वाइडली यूज कनेक्शन आपको वेल्डेड कनेक्शन ही होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेल्डेड कनेक्शन में कि कितने टाइप्स के आपको वेल्डेड कनेक्शन या वेल्डेड ज्वाइंट्स आपको बन सकते हैं। तो जैसे कि आपको बेसिकली 4 टाइप्स के वेल्डेड ज्वाइंट्स है और इन्हीं जॉइंट्स को और यूज करते हुए और डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स बन जाते हैं, लेकिन आपका जो प्राइमरी जॉइंट्स है वो आपको ये 4 टाइप के जॉइंट्स है। पहला आपको बट जॉइंट, सेकंड आपको फिलेट जॉइंट, थर्ड आपको स्लॉट वेल्ड एंड फोर्थ आपको प्लग वेल्ड। अब ये चारों क्या क्या है, सबसे पहला बट जॉइंट, आपने रिवेटेड कनेक्शन में पढ़ा होगा कि जब आप दो प्लेट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट, इन दोनों को आप नियर बाय रख देते हैं और ऊपर से आप एक प्लेट से इसको रिवेटिंग कर देते हैं। अब हम इसको चेंज करते हैं, अब वेल्डेड कनेक्शन के केस में हमारा जो बट जॉइंट होगा वो होगा कि जब आप दो प्लेट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप दोनों प्लेट को नियर प्लेस करेंगे और उसके बाद ये जो आपका जॉइंट गैप आ रहा है आप इस गैप को वेल्डेड मटेरियल से फिल कर देंगे। तो ये जो वेल्डेड मटेरियल जब फिल होकर के, ये जब आप इसको हॉट करके फिल करते हैं, फिर जब ये कूल होगा तो कूल होने के बाद ये कंप्लीट आपको एक मेंबर के तरह एक्ट करेगा। अगर अभी आपका ये मेंबर का लेंथ L1 है और इस मेंबर का लेंथ L2 है तो ये आपको जब आप कनेक्शन कर देंगे तो ये कंप्लीट L, जिसमें आपको ये जो गैप था जिसमें आप वेल्डिंग कर रहे थे वो गैप भी आपको एक मेंबर के लेंथ में काउंट होगा। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है ये आपको बट जॉइंट में कि आपको जो वेल्डिंग होता है वो वेल्डिंग का अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है, वो कंप्लीट आपको एक प्लेट जो जिस भी प्लेट को आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका एक अपना टोटल स्ट्रेंथ जो होता है वही इस वेल्डिंग का भी स्ट्रेंथ हो जाता है। ये है आपका बट जॉइंट। फिर दूसरा है आपका फिलेट जॉइंट। जब आपके मेंबर्स आपको सेम प्लेन में नहीं होंगे, ये तो हुए कि ये मेंबर्स आपको सेम प्लेन में थे, जब मेंबर्स आपको सेम प्लेन में नहीं होंगे जैसे कि एक प्लेट आपका कुछ इस तरह से है एंड सेकेंड प्लेट आपका कुछ यहां पे है 90 डिग्री पे है कुछ इस तरह से, तो अगर आपको इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करना है तो इसमें जो आप इस प्लेट्स को आप यहां पे इस पे प्लेस करेंगे तो ये प्लेट इस पे आकर के रेस्ट करेगा और फिर आप क्या करेंगे कि इस वाले एज को और इस वाले एज को वेल्ड कर देंगे। तो ये जो वेल्ड होगा जो आपको सेम प्लेन में नहीं ऐड करके किसी दूसरे प्लेन वाले मेंबर को ऐड करेगा तो ये आपको कहलाएगा फिलेट वेल्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बट वेल्ड हो गया जो आपको सेम प्लेन के मेंबर्स को कनेक्ट करेंगे तो वो आपको हो जाएगा बट वेल्ड, और जब आप फिलेट वेल्ड करेंगे तो मतलब है कि आपका ये एक प्लेन है और ये आपका दूसरा प्लेन का मटेरियल है, या हो सकता है कि कुछ इस तरह से भी हो, ये एक प्लेन है और ये आपको दूसरे प्लेन में इस तरह से कनेक्ट हो रहा है तो ये आपका एक प्लेन होगा और ये आपका एक प्लेन होगा, तो इसको जो आप कनेक्ट करेंगे ये कनेक्शन आपका होगा फिलेट वेल्ड कहलाएगा। ठीक है, थर्ड है आपका स्लॉट वेल्ड। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे आपका सेम ये लैप जॉइंट आपको दिख रहा होगा जो आप रिवेटेड कनेक्शन में भी पढ़ते थे। इसमें आप क्या करते हैं कि उस रिवेटेड कनेक्शन में तो आप रिवेट होल्स बना करके उसमें रिवेट्स प्लेस कर देते थे, इसमें आप क्या करते हैं कि दो प्लेट्स को ओवरलैप करके, जैसे आप सेक्शन में देख पा रहे होंगे दो प्लेट्स ओवरलैप किए हुए हैं, उसके बाद बीच में ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं डोनट शेप का, ये आपको होल है, ये आपने क्या किया कि इस पूरे प्लेट में इस तरह से आपने अपने ऊपर वाले प्लेट में एक होल बना दिया। इस होल में आपने क्या किया कि कुछ एजेस पे आपने इस तरह से वेल्डिंग कर दिया। जब आप इसका सेक्शन देखेंगे तो नीचे का प्लेट आपका फुल प्लेट है लेकिन ऊपर वाले प्लेट में आपने एक डायमीटर का होल बना दिया और इस डायमीटर में आप इस तरह का वेल्ड चारों तरफ से आप कर देंगे तो ये वाला वेल्ड इस वाले बेस से इसको होल्ड करेगा और इस वाले बेस से ये इसको होल्ड करेगा, तो ये आपका कनेक्शन बन जाएगा और ये कनेक्शन आपका थ्रू आउट इस तरह से बन जाएगा
चारों तरफ से, तो ये आपको क्या होगा कि आपके पूरे इस ब्लू वाले प्लेट को ये ब्लैक वाले प्लेट से कनेक्ट हो जाएगा वेल्डिंग के मदद से। तो इस तरह का जो वेल्ड होता है ये आपको कहलाता है स्लॉट वेल्ड, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है टिपिकल, जब आप स्लॉट वेल्ड किसी सेक्शन में दिखाते हैं तो ये अगर आप यहां से सेक्शन बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको ये वाला वेल्ड इतना और ये वाला इतना आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये आपको सेक्शन हो गया, और सामने वाला जो वेल्ड है ये आपको यहां दिखाई पड़ेगा बट वो आप इसको शो नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये आपको इलिवेशन में आएगा, तो ठीक है। तो ये आपका होता है स्लॉट वेल्ड। इसके बाद आता है आपका प्लग वेल्ड। सेम कनेक्शन अगर आप बनाना चाह रहे हैं और इसमें आपने टोटल जो आपने होल किया था उस टोटल होल को अगर आप फिल कर देते हैं तो वो कहलाता है प्लग वेल्ड। यहां भी आप देख रहे होंगे आपने एक सर्कुलर होल्ड किया, एक रेक्टेंगुलर होल्ड किया, लैप जॉइंट लगाया। अब ये होल करने का मतलब क्या कि जो आपने ऊपर वाले प्लेट में होल किया तो वो आपको नीचे वाले प्लेट, जब उस होल के अंदर से आप नीचे वाले प्लेट को देख सकते हैं, तो अगर आप टोटल में अगर वेल्डिंग मटेरियल से भर देंगे तो उसके बाद जब ये कूल होगा तो ये इस प्लेट को तो आपके इस डायमीटर से, जैसे यहां पे अगर आपने एक होल बनाया इस तरह से, तो ये इस पूरे को भर देगा। तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो बेस है ये आपको इस प्लेट से कनेक्शन बना रहा है, अब बाकी ये वाला जो पूरा बेस है ये दोनों ये आपको अंदर फिल किए हुए मटेरियल से पैक हो जा रहा है। तो ये कनेक्शन इस तरह से जब बनता है टोटल होल को फिल करके तो वो कहलाता है आपको प्लग वेल्ड। अब इसके अंदर आपको कितने टाइप्स के जॉइंट्स है ये तो हो गया आपको ब्रॉडली कि बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड एंड प्लग वेल्ड है। स्लॉट वेल्ड एंड प्लग वेल्ड तो इंडिविजुअल होते हैं क्योंकि ये दो केसेस है बस, इनके और कोई केसेस नहीं होते हैं, लेकिन बाकी आपके जो बट ज्वाइंट और जो आपके फिलेट ज्वाइंट है उसके बहुत सारे केसेस हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये केसेस क्या हैं। सबसे पहला बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में आपको ये 10 टाइप्स के आपको ज्वाइंट्स दिख रहे होंगे। पहला आपको स्क्वायर बट वेल्ड ऑन वन साइड, सेकंड स्क्वायर बट वेल्ड ऑन बोथ साइड्स, सिंगल वी बट ज्वाइंट, डबल वी बट ज्वाइंट, सिंगल यू बट ज्वाइंट, डबल यू बट ज्वाइंट, सिंगल जे बट ज्वाइंट, डबल जे, सिंगल बेवल एंड डबल बेवल बट ज्वाइंट। अब ये सारे आपको किस तरह के बट ज्वाइंट्स हैं। बट ज्वाइंट तो आपको क्लियर हो गया कि आप दो प्लेट्स को सेम प्लेन के जो है उनको आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हो गया बट ज्वाइंट। अब ये स्क्वायर बट वेल्ड ऑन वन साइड, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप दो प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये जो प्लेट का जो कनेक्टिंग वाला जो एज है जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके शेप के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कौन सा टाइप का वेल्ड है। जैसे आपका ये शार्प 90 डिग्री का एज है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है दोनों, तो जब आप इस तरह का वेल्ड कर रहे हैं तो ये आपको, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये आपको इस प्लेट के थिकनेस के बराबर जब हो जाएगा तो आपको क्या होगा कि ये एक स्क्वायर शेप देगा। अगर हम इसको स्क्वायर ही की तरह बनाएं अगर हम इस तरह से प्लेट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं और ये वाला डिस्टेंस अगर 10 mm है और ये वाला थिकनेस भी अगर 10 mm है तो ये आपको एक स्क्वायर हो गया। तो जब हम इस स्क्वायर को वेल्ड से फिल करेंगे, बट वेल्ड कनेक्शन बनाएंगे, तो ये आपको कहलाता है स्क्वायर बट वेल्ड। ऑन वन साइड का मतलब क्या है कि आपका ऊपर की तरफ से आप बना रहे हैं जब आप वेल्डिंग करते हैं। एक चीज और समझने की जरूरत है कि जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग कभी भी आपका अगर 10 mm के थिक प्लेट को अगर आप वेल्डिंग करना चाह रहे हैं तो जो आप इसका कनेक्शन बनेंगे कराएंगे, जो आप वेल्डिंग करेंगे वो कभी भी आपको एक्यूरेट यहां से इस तरह से फ्लश नहीं होगा, क्योंकि जब वो फिल करके जब वो हटा रहा होगा तो वो उसको एग्जैक्टली मेटल के टॉप पे आने के बाद वो उस वेल्ड को हटाएगा तो वो आपको एग्जैक्टली 10 mm का नहीं होकर के कुछ इस तरह से ऊपर फिल कर होता है, इस तरह से ये फिल हो जाता है। तो जब आप सिंगल सिर्फ ऊपर के साइड से जब आप वेल्ड करेंगे और नीचे ये आपको किसी सरफेस पे प्लेस किया हुआ होगा तो फिर आपको इस तरह का कनेक्शन बनेगा, तो ये कहलाएगा आपको स्क्वायर बट वेल्ड ऑन वन साइड। लेकिन जब आप ऊपर से वेल्ड करेंगे और फिर आप नीचे से भी इस तरह से वेल्ड करेंगे, दोनों तरफ से जब आप वेल्डिंग करेंगे तो वो आपको कहलाएगा स्क्वायर बट वेल्ड बट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। उसके बाद सिंगल वी बट ज्वाइंट, जब आप ये दो प्लेट कनेक्ट कर रहे होंगे और इनका शेप कुछ इस तरह से होगा तो ये आपको वी शेप का थोड़ा लग रहा है, तो इस तरह का जब आप इस तरफ से फिल करेंगे इसको तो ये आपको कहलाएगा सिंगल वी बट ज्वाइंट। सेम जब आपका नीचे से भी कुछ वी शेप होगा, ये हो गया आपको ऊपर का कटिंग, ये नीचे का कटिंग, जब इस तरह का आपका प्लेट होगा और इस तरह का आप वेल्डिंग करेंगे कि आप ऊपर से भी एक इस वी को फिल कर रहे हैं
और नीचे से भी आप इस वी को फिल कर रहे हैं, तो ये आपको कहलाएगा डबल वी बट जॉइंट। सेम विद द सिंगल यू, जब आपका ये प्लेट जो होगा ये कुछ आपका इस शेप का होगा कि ये आपको एक यू को रिसेंबल करेगा इस तरह से, तो ये आपको सिंगल यू बट जॉइंट होगा। लेकिन जब आप इसको इस तरह का कनेक्शन बनाएंगे तो ये आपको एक यू और ये आपको डबल यू, इस तरह से जब बनेगा तो ये आपको डबल यू बट जॉइंट कहलाएगा। सिंगल जे, जब आपका प्लेट का जब आपके दो प्लेट है जिसमें से एक प्लेट आपको इस तरह से एज बेवल किया हुआ है, कट किया हुआ है, तो ये आपको कहलाता है सिंगल जे। लेकिन जब सेम केस यहां दूसरे प्लेट के साथ भी हो जाएगा, यहां आपको दूसरा प्लेट भी इस तरह से कट किया हुआ रहेगा, तो ये आपको कहलाएगा डबल जे। इसके बाद आता है सिंगल बेवल बट जॉइंट। सिंगल बेवल और सिंगल जे में बहुत थोड़े से का डिफरेंस होता है। ये जैसे आपका सिंगल जे का डायग्राम था, इसमें ये जो आपका शार्प एज है, सिंगल जे में ये शार्प नहीं होकर के थोड़ा सा जे शेप का होता है, तो ये जे शेप। और ये अगर जब डबल जे की बात करते हैं तो ये भी कुछ इस तरह से जे शेप का होता है। लेकिन जब हम सिंगल बेवल की बात करेंगे तो ये आपको बिल्कुल शार्प इस तरह से एज होगा, फाइन एज होगा, ये कहलाएगा आपको डबल बेवल। और अगर एक सिंगल प्लेट में है तो सिंगल बेवल। मतलब आपका जब जो कनेक्शन आप बना रहे हैं, अगर वो कनेक्शन में एक साइड का प्लेट आपको किसी शेप का है और दूसरे साइड का प्लेन है, तो आपको वो उसी हिसाब से आपको नोमेनक्लेचर है। जैसे सिंगल वी की बात करेंगे तो एक साइड का आपका प्लेट वी शेप में है, डबल वी की बात करेंगे तो दोनों आपका प्लेट वी शेप में है। उसी तरह आपको सिंगल यू, डबल जे, सिंगल जे सब में, सिंगल बेवल, डबल बेवल में भी, ये आपका प्लेट वन है, ये आपका प्लेट टू है, इन दोनों के शेप के हिसाब से डबल होगा अगर एक सिंगल का शेप होगा, और ये वाला अगर आपको नॉर्मल होगा तो फिर आपको ये सिंगल बेवल हो जाएगा। मतलब ये शेप बेवल्ड है लेकिन दूसरा प्लेट का नहीं है, तो वो सिंगल बेवल। अगर दूसरे का भी बेवल्ड है तो फिर आपको वो हो जाएगा डबल बेवल। सेम सिंगल यू, डबल यू के साथ भी, अगर सिंगल साइड है तो सिंगल, डबल साइड है तो डबल। तो इस तरह से आपका नोमेनक्लेचर होता है बट वेल्ड का, क्योंकि जितने टाइप्स ऑफ बट वेल्ड है, ये आपको एक फिगर में, आपको इसके बाद एक फिगर दिखाई देगा, उसमें आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद आता है फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड आपको ब्रॉडली तीन टाइप्स के होते हैं, कनकेव फिलेट वेल्ड, कन्वेक्स फिलेट वेल्ड एंड मीटर फिलेट वेल्ड। अब ये तीनों टाइप्स के कनेक्शन किस तरह के होते हैं, अगर हम एक 90 डिग्री प्लेन के प्लेट को अगर हम दूसरे प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हम ये एग्जांपल लें और इसमें हम इधर फिलेट वेल्ड कर रहे हैं, तो ये जो हम कनकेव शेप बना रहे हैं, तो ये वाला इस तरह का अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा कनकेव फिलेट वेल्ड। फिर सेकंड केस, अगर हम इस तरह का वेल्ड नहीं करके, अगर हम कुछ इस टाइप का वेल्ड कर रहे हैं कि ये आपको कन्वेक्स शेप बना रहा है, तो ये आपको कहलाएगा कन्वेक्स फिलेट वेल्ड। ये दोनों शेप के हिसाब से आपको डिसाइड किए जाते हैं। और अगर यही आपको बिल्कुल स्ट्रेट होगा, इस तरह से आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा, तो ये अगर गैप्स नहीं रहेगा, ये टोटल स्ट्रेट रहेगा, तो ये कहलाएगा आपको मीटर फिलेट वेल्ड। ये तीन टाइप्स के आपको फिलेट वेल्ड होते हैं। अगर कनकेव शेप है तो आपको कनकेव फिलेट वेल्ड, कन्वेक्स शेप है तो कन्वेक्स फिलेट वेल्ड, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, ये जो दोनों साइज होगा, ये अगर हम इसको टी नाम देते हैं और इसको एस नाम देते हैं, तो टी इज इक्वल टू एस होता है आपको फिलेट वेल्ड के केस में। अनइवन भी होता है, ये तो हो गया इक्वल वेल्ड। अगर हम अनइक्वल की बात करेंगे तो हो सकता है कि एस आपको कम होगा और टी आपको ज्यादा होगा, तो एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता भी है और नहीं भी बनाता है। इक्वल की जब हम बात करेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा, अनइक्वल की बात करेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनाएगा। अब इसमें फिलेट वेल्ड में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है आपको थ्रॉट थिकनेस। अब थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, अगर हम किसी भी एक टिपिकल एग्जाम्पल में, या तो हम कन्वेक्स से समझे या कनकेव से समझे, तो अगर हम लोग पहले कनकेव से अगर समझते हैं, तो ये हमारा वेल्ड का आउटर लाइन है और इस पूरे में आपने वेल्ड किया हुआ है, तो ये जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, इसको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें, तो ये जो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ये आपको कहलाता है थ्रॉट थिकनेस, ठीक है। और जब हम कन्वेक्स की बात करें, इस तरह से अगर हमारा कन्वेक्स वेल्ड है तो इसका जो इंटरनल ये जो लाइन कनेक्ट कर रहा है, मतलब अगर हम इस दोनों पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये तो बाहर से हो जाएगा ना। तो कन्वेक्स के केस में अगर हम अंदर वाले जो हमारा शेप बन रहा है, जैसे इस तरह का हमारा कन्वेक्स का शेप बन रहा है, ठीक है, ये है हमारा, सिर्फ हम इस वेल्ड का डायग्राम बना रहे हैं। तो इसमें आप इन दो पॉइंट्स को आप इस तरह स्ट्रेट लाइन से नहीं करेंगे, फिर आप इंटरनल ये जो है आपका, इसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा इस केस में, ये आपको कहलाएगा थ्रॉट थिकनेस, ठीक है। और जब आपका मीटर वेल्ड होगा तो वो तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट ही होता है, तो उसमें तो ये डिस्टेंस ही आपको डायरेक्टली कहला जाएगा थ्रॉट थिकनेस। तो ये जो थ्रॉट थिकनेस है ये डिसाइड करता है आपके वेल्ड के स्ट्रेंथ को। आप वेल्ड का अगर आप एरिया निकालना चाहेंगे या आप स्ट्रेंथ निकालना चाहेंगे तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको एक स्ट्रेस का वैल्यू मिलेगा, लेकिन उस स्ट्रेस की वैल्यू में आप कुछ तो एरिया मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो एरिया आपको इस थ्रॉट थिकनेस में, ये वाले थिकनेस को हम लोग कंसिडर करते हैं, फिर हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो बताएंगे आगे। तो इस तरह से हम लोग ये वाला थिकनेस हमारा इंपॉर्टेंट होता है। कनकेव है तो हमारा ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा वाला, ये जो हम शेड कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये वेस्टेज में काउंट होता है। जब हम कन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन हमारा वेस्टेज में काउंट होता है, और मीटर के केस में हमारा कोई सा भी पोर्शन वेस्टेज में काउंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो आप टोटल थिकनेस ले रहे हैं वो आपको जो एक्चुअल वेल्ड है उसका टोटल थिकनेस आपको थ्रॉट थिकनेस हो जाता है। तो ये तीनों चीजों को ध्यान में रखना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग स्पेसिफिकेशन पे बात करेंगे तो आपको इन तीनों का एक्चुअल कैलकुलेशन समझाएंगे कि किस तरह से ये कैलकुलेट होता है, अलग अलग एंगल्स के हिसाब से ये निकाला जाता है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करेंगे। तो ये है आपको टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड की, तीन टाइप्स के फिलेट वेल्ड होते हैं, मीटर, कन्वेक्स एंड कनकेव। तो बेसिकली ये चार टाइप्स के आपके वेल्डेड जॉइंट्स हैं जो हम लोग वेल्डेड कनेक्शन में पढ़ेंगे, और आगे इनपे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके आईएस कोड के स्पेसिफिकेशंस क्या है एंड फॉर्मूलाज क्या है, किस तरह से हम लोग वेल्डेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स को प्रोसीड करेंगे, उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी वो आपको क्या क्या फॉर्मूलाज होंगे, उसके आईएस कोड के स्पेसिफिकेशन के साथ उसको प्रोवाइड करेंगे कि आईएस 800 हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।